मॉडल्स जो है वो डिफरेंट रिब्स के मॉडल्स हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली जो है फर्स्ट रिब है, उसके बाद ये सेकेंड रिब है, और 3 से लेकर 9 तक जो है वो टिपिकल रिब्स होती हैं, यानी इसी शेप की होती हैं. और फिर जो है वो 11, 12 फ्लोटिंग होती हैं, तो वो इस तरह की होती हैं. और हम सबसे पहले फर्स्ट रिब को देखते हैं. फर्स्ट रिब में जो है वो ये पीछे इसकी जो है वो हेड होता है रिब का. हेड के बाद ये बीच वाला नेक होती है, ये वाला पार्ट नेक होता है, और फिर ये जो है वो ट्यूबरकल होता है रिब का. यहाँ पे जो है ये अपर सरफेस होती है इसकी, जो कि थोड़ी सी रफ़ होती है, और जो लोअर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है फर्स्ट रिब की. यहाँ आगे जो है वो कॉस्टल कार्टिलेज लगा होता है, जो कि फिर अटैचमेंट उसको देता है मैनुबरम स्टर्नम के साथ. यहाँ पे एक स्केलिन ट्यूबरकल होता है, ये वाला स्केलिन ट्यूबरकल है. यहाँ पे जो है स्केलिनस मसल लगा होता है. इस्केलिन मसल के आगे एक ग्रूव सा होता है, डिप्रेशन होता है, और एक पीछे ये वाला ग्रूव होता है. ये पीछे वाले ग्रूव में स्केलिनस मीडियस मसल लगा हुआ होता है. ये जो स्केलिन ट्यूबरकल होता है, इसके आगे से जो है वो सबक्लेवियन वेन जारी होती है, और पीछे से जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सिस का लोअर पार्ट जो है वो इस तरह जा रहा होता है. यहाँ पे जो है वो कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट लगा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर क्लेविकल होती है, तो क्लेविकल से लेके रिब तक जो है यहाँ कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट लगा हुआ होता है, और आगे जो है वो सब क्लेवियस जो है वो मसल की अटैचमेंट होती है. तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट रिब है. नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकेंड रिब है. सेकेंड रिब में ये हमारे पास हेड है रिब का, ये जो है वो इसकी नेक है, और ये जो है वो इसका ट्यूबरकल है. यहाँ नीचे साइड पे जो है वो इसका ये थिन सा जो है बॉर्डर है, इसे हम कहते हैं कॉस्टल ग्रूव. सेकेंड रिब में जो है वो पुअरली जो है ये बन रहा होता है. उसके बाद जो है वो ये इसके डिफरेंट जो है बॉर्डर्स हैं, ये अपर बॉर्डर है, और ये जो है वो लोअर बॉर्डर इसका. डिफरेंट सर्फेसिज हैं, ये आउटर जो है वो कन्वेक्स सर्फेस होती है, और जो इनर जो है वो कनकेव सर्फेस होती है. ये 3 से लेकर 9 तक जो है वो इस तरह की रिब्स होती है, टिपिकल रिब्स होती है. इसमें आगे यहाँ पे ये हेड होता है रिब का, ये इसकी जो है वो नेक होती है. हेड से लेके ट्यूबरकल तक ये बीच में सारी इसकी जो है वो नेक होती है, और ये जो है हमारे पास रिब का ट्यूबरकल होता है. यहाँ लोअर साइड पर जो है वो कॉस्टल ग्रूव होती है, जो कि इसका रिब्स का जो है वो हमारे पास मतलब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिब्स है इस कॉस्टल ग्रूव के जरिए. जो है वो डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, ये वाला ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर है, ये राउंड होता है, जबकि जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो थोड़ा सा जो है वो शार्प होता है. यहाँ बाहर वाला जो है वो आउटर सरफेस है, जो कि कन्वेक्स होती है, और जो इनर वाली सरफेस होती है वो कनकेव सरफेस होती है. यहाँ दो एंगल्स होते हैं, यहाँ से जो एक कर्व आ रहा है ये पोस्टीरियर एंगल है, और आगे की तरफ जो कर्व आ रहा होता है वो एंटीरियर एंगल होता है रिब का. दो एंगल्स होते हैं रिब के. ये आगे वाली सरफेस है, ये जाकर मेरे फिर जो है वो पोस्टल कार्टिलेज के साथ लग जाएगी. नेक्स्ट ये वाली जो है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11, 12, क्योंकि इनके आगे जो है वो थोड़ी सी शार्प पॉइंटेड होता है, और पीछे इसकी जो है वो हेड होता है. इनकी जो है वो प्रोमिनेंट ट्यूबरकल और नेक नहीं होती.